मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है संतानहीनता को लेकर के। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि आखिर जन्म पत्रिका में कैसे ये पहचान की जाए कि हमें जो संतानहीनता का दंश झेलना पड़ रहा है, आखिर उसके पीछे उत्तरदायी कारण क्या है। और हमारे ही चैनल आचार्य चंद्रकांत पर हम उस पर विशद चर्चा कर रहे हैं, तमाम प्रकार के दोषों श्रापों के बारे में जिसका सीधा कनेक्शन पिछले जन्म से होता है। तो हम आई बटन में उसका भी लिंक प्रोवाइड कराएंगे, वो जाकर के आप जरूर देखें ताकि आपको कारण का पता लग सके। और यहां पर हम बात कर रहे हैं उन श्रापों के, उन दोषों के शमन के बहुत ही व्यावहारिक, बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही आसान उपायों पर। तो यदि आप भी स्वयं पीड़ित हैं तो जरूर इसका पूरा लाभ आप उठाइए, और यदि आपके आसपास कोई पीड़ित है तो उस तक ये सूचना आप जरूर पहुंचाइए। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यदि जन्म पत्रिका में, चाहे फिर वो पति की जन्म पत्रिका में हो या फिर पत्नी की जन्म पत्रिका में हो, स्त्री श्राप या स्त्री दोष है और स्पष्ट रूप से उनको ये पता चल ही गया है और चल ही जाना चाहिए, यदि 2, 3, 4 या इससे अधिक सालों का समय बीत चुका है विवाह के पश्चात, तमाम आपने उपाय कर लिए हैं परंतु झोली जो है वो अभी तक खाली है। तो आज इस एपिसोड में हम 4 ऐसी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो कि यदि आप अपने जीवनचर्या में, अपने दिनचर्या में अपना लेते हैं, भले ही कुछ दिनों के लिए ही सही, तो स्त्री श्राप से आपको पूर्णतः मुक्ति मिलेगी और निसंदेह रूप से बहुत जल्दी आपको खुशखबरी भी मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम उन 4 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कन्या दान करना है आपको। जी हाँ, अब आपके स्वयं के तो संतान है नहीं, तो आप कन्या दान किसका करेंगे? देखिए, किसी का भी किया जा सकता है, और वैसे भी भारत में तो ये माना जाता है कि बेटियां जो है वो सभी की साझी होती है। बेटी बेटी होती है, वो चाहे किसी की भी हो। तो वो किसी जरूरतमंद व्यक्ति की बेटी हो सकती है, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में किसी की बेटी हो सकती है। तो आप ये प्रयास करें कि कन्या दान का जो बिल्कुल औपचारिक रीति से किया जाता है वो स्वयं आप दोनों पति पत्नी मिल करके करें। कम से कम किसी एक कन्या के निमित्त तो आपको करना ही चाहिए, और उसमें आप आर्थिक सहयोग भी अपनी तरफ से जितनी आपकी श्रद्धा हो वो करना है। देखिए, श्राप है स्त्री का, तो जितने उपाय हैं उनमें कहीं ना कहीं स्त्रीत्व जुड़ा हुआ होना चाहिए। कन्यादान आप करें। और दूसरा बिंदु जो है वो है कि जब भी आप संतान प्राप्ति के लिए संसर्ग करते हैं तो एक बात का ख्याल रखें कि जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो, अर्थात जब चंद्रमा बढ़ रहा हो, जब बढ़ता है तो उस बढ़ने का अंतिम पड़ाव होता है पूर्णिमा। तो प्रथमा जो तिथि से लेकर के पूर्णिमा, इस समय ही आप ये प्रयास करें। कृष्ण पक्ष में आपको कभी भी प्रयास नहीं करने चाहिए, जानबूझ करके आप उसको बिल्कुल मना करें। उस समय आपके लिए निषेध है, केवल शुक्ल पक्ष में ही आपको संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करना है। देखिए, चंद्रमा और स्त्री का जो मासिक धर्म है उनका बहुत डायरेक्ट, सीधा और गहरा संबंध है, तो इस बात का आप ख्याल जरूर रखें। तीसरा, और यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, चारों ही महत्वपूर्ण ही है, कि कभी भी गलती से भी दिन के समय में, दिन का समय किसको कहेंगे हम, कि जब सूर्य उदय हो गया और तब से लेकर के सूर्य अस्त, इसके जो बीच का समय है ये दिन का समय है, इसमें कभी भी आपको संसर्ग नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका नेगेटिव परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। साथियों, चौथा जो उपाय है वो है कि हनुमान प्रतिमा आपके घर में जरूर होगी, किसी पोस्टर के रूप में ही सही। तो शनिवार को आपको एक कृत्य करना है कि चमेली का थोड़ा सा आपको तेल लेना है, उसको एक चौमुखी आपको दिया उसका जलाना है जिसके 4 बातियां हो, और उसको आप प्रज्वलित करके संध्या के समय शनिवार को सुंदरकांड का पाठ आपको करना है। पति पत्नी दोनों मिल करके करें
तो सोने पे सुहागा है, सर्वोत्तम है, नहीं तो उस व्यक्ति को तो करना ही है जिसकी जन्म पत्रिका में स्त्री शाप स्थापित है, घटित है, निर्मित है, उसको प्रभावित कर रहा है। तो ये चारों कार्य आप निश्चित रूप से करें, सुनिश्चित करें कि इसको लगातार आप करें। वैसे लगातार तो ये शनिवार वाला ही आपको करना है, इसमें विशेष बाकी जो है वो व्यावहारिक दिनचर्या से संबंधित है। और ये चारों जिस दिन आपने पूर्ण कर लिए, क्योंकि कई मामलों में तो ये भी देखा गया है कि जब मन में ये धारण कर लिया कि मैं ये चारों करूंगा या करूंगी, वहीं से आपका कार्य होना शुरू हो जाता है। और कई मामलों में तो चारों किसी ने किए भी नहीं, एक दो या तीन ही किए, उससे पहले ही उनको गुड न्यूज, खुशखबरी मिल गई, एक स्वस्थ संतान की उनको प्राप्ति भी हो गई। परंतु मन में श्रद्धा और विश्वास यही रखना है, प्रयास यही करना है कि ये चारों कार्य आपको फॉलो करने हैं। तो साथियों, श्रृंखला बड़ी ही शोधपरक है, हमारी टीम बड़ी मेहनत करके और काफ़ी उसमें प्रयास करके आपके लिए इस प्रकार की साधनाएं लेकर के आते हैं, जो कि आप घर बैठे सरलतम तरीके से स्वयं संपादित कर सकें, तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाइए। तो साथियों, इसी प्रकार की साधना से सिद्धि तक की किसी और यात्रा में आपसे पुनः भेंट होती है। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।